हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है CUET 2022 का जो म्यूज़िक वोकल का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके यूनिट थर्ड करेंगे। यूनिट थर्ड के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम करने जा रहे हैं। यूनिट थर्ड में आपके दो ग्रंथ हैं, संगीत रत्नाकर ग्रंथ और संगीत परिजात ग्रंथ, और प्लस में आपके जो है जीवन पीछे हैं। तो आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चन को जो है हम सोल्व करेंगे। और पूरे टॉपिक की बात करें तो आपको 12th क्लास CBSE में आपको सारे टॉपिक जो है मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जाकर के वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो कंप्लीट टॉपिक जो है वहाँ पर करवाए हुए हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? भरत, शारंगदेव या फिर अहोबल? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है शारंगदेव के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। संगीत परिजात ग्रंथ किसने लिखा? भरत, शारंगदेव, अहोबल या फिर नारद? तो संगीत परिजात जो ग्रंथ है अहोबल ने लिखा था। ये दोनों क्वेश्चन ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 100% इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 7, 10, 12 या फिर 14? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। शारंगदेव ने कुल स्वर जो है कितने माने? कुल स्वर जब आपसे पूछा जाए तो इसमें आपके शुद्ध स्वर प्लस में विकृत स्वर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा वर्ड्स क्या पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है, शुद्ध स्वर पूछ रहा है या फिर विकृत स्वर पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुल पूछा हुआ है, तो आपके 7 शुद्ध प्लस 12 विकृत, कुल 19 स्वर माने गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट होगा। शारंगदेव ने प्रबंध के जो है कितने प्रकार माने? 75, 20, 18 या फिर 25? तो शारंगदेव ने प्रबंध के जो है 75 प्रकार माने थे। अहोबल ने कुल कितने स्वर माने? 29, 75, 10, 12। तो 29 माने थे इन्होंने। ध्यान रखना शारंगदेव ने 19 स्वर माने थे और अहोबल की बात करें तो इन्होंने कुल 29 स्वर जो है माने थे। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में श्रुतियों की संख्या जो है कितनी मानी गई? 10, 12, 22 या फिर 18? तो श्रुतियों की संख्या जो है सभी विद्वानों ने ही 22 मानी है। तो आपसे चाहे संगीत परिजात की पूछे चाहे संगीत रत्नाकर की, तो आपकी श्रुतियों की संख्या जो है 22 रहेगी। अब्दुल करीम खां कौन से घराने से हैं? किराना, आगरा या फिर ग्वालियर? तो अब्दुल करीम खां जो है किराना घराने से संबंध रखते हैं, क्योंकि इनका जन्म भी बात करें तो इनका जन्म भी किराना में ही हुआ था। तो अब्दुल करीम खां ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? आर्य संगीत महाविद्यालय या फिर गंधर्व महाविद्यालय? तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अब्दुल से ही आपको अ से ही याद रखना है, आर्य संगीत महाविद्यालय। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े गुलाम अली खां का जन्म जो है कहाँ हुआ था? आगरा, कसूर या फिर किराना? तो बड़े गुलाम अली खां का जन्म जो है कसूर में हुआ था। बड़े गुलाम अली खां का उपनाम है प्रेमपिया, प्राणपिया या फिर सबरंग? तो बड़े गुलाम अली खां का उपनाम सबरंग था। बड़े गुलाम अली खां की मृत्यु जो है किस बीमारी के कारण हुई थी? पेट दर्द, सिर दर्द या फिर पक्षाघात? तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, पक्षाघात। 13 क्वेश्चन देखते हैं, फ्यांस खां का उपनाम क्या है? प्रेमपिया, प्राणपिया या फिर सबरंग? तो फ्यांस खां का जो उपनाम है वो है प्रेमपिया। फ्यांस खां को किस उपाधि से नवाजा गया था? संगीत रत्नालंकार, पद्म भूषण या फिर ज्ञान रत्न? तो ज्ञान रत्न की उपाधि से जो है इनको नवाजा गया था। फ्यांस खां का घराना है ग्वालियर, किराना या फिर आगरा? तो फ्यांस खां का जो घराना है वो है आगरा। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है आगरा के पास सिकंदा नामक गाँव में हुआ था। संगीत रत्नाकर में गमक के जो है कितने प्रकार माने गए? 10, 12, 15 या फिर 20? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो संगीत रत्नाकर में गमक के जो है 15 प्रकार माने गए थे। संगीत रत्नाकर में श्रुति की कितनी जातियाँ मानी गई? 5, 7, 10, 12। तो श्रुति की जातियाँ जो है 5 मानी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदास शंकर पंडित का जन्म जो है कब हुआ था? 1894, 1880 या फिर 1890? तो 1894 इसका राइट आंसर है। शारंगदेव ने किस वीणा का आविष्कार किया था? मत कोकिला वीणा या फिर निशंक वीणा? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है राइट है, निशंक वीणा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, शारंगदेव के पिता का नाम सोडल, हरिकृष्ण या फिर सोमनाथ? तो शारंगदेव के पिता का नाम था सोडल। ये थे 20 क्वेश्चन जो आज हमने सोल्व किए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और आप व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक भी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।